नमस्कार दोस्तों, इंडियन कंप्यूटर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जियो का सिम एक्टिवेट कैसे होगा नए तरीके से, जो कि 5 अगस्त को लॉन्च हुआ है नया प्रोसेस। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले आपको जियो पोस्ट प्लस पे जाना है, यहाँ पर क्लिक कर देना है, उसके बाद आपका लॉगिन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर वर्जन आपका लॉन्च हुआ है, नया वर्जन देखिए 9.9.1, ये वर्जन आप अपडेट कर ले तब आपका काम करेगा, नहीं करेगा। यहाँ पर देखिए इंटर यूजर आईडी में आप अपना आईडी डाल दे, यहाँ पासवर्ड डाल दे, उसके बाद लॉगिन पे क्लिक कर दे। क्लिक करते ही आपका इस प्रकार का आएगा। यहाँ पर ऊपर 3 लाइन है, 3 लाइन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही देखिए जियो आधारित KYC आएगा, जिसमें आपको एक बार दबाना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर सिलेक्ट ऑर्डर टाइप आएगा, तो यहाँ पर सिलेक्ट पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करके आपको मोबिलिटी आपको चुन लेना है। मोबिलिटी चुनने के बाद आपको डन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए एजेंट आधार KYC मतलब दुकानदार को एग्री करके यहाँ पर एग्री टू कैप्चर पे क्लिक कर दे। उसके बाद फिंगरप्रिंट लगा सकता है दुकानदार, जैसे उसका फिंगरप्रिंट सक्सेसफुल हो जाएगा तो प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर कस्टमर KYC यानी कस्टमर का आधार नंबर यहाँ पर डालना है और एग्री पे क्लिक कर देना है। उसके बाद कस्टमर फिंगरप्रिंट लगाएगा और उसके बाद कस्टमर का जैसे सक्सेसफुल हो जाएगा तो आपको प्रोसीड बटन दबा देना है। उसके बाद कस्टमर का पूरा डिटेल्स आ जाएगा तो आपको यहाँ पर अल्टरनेट नंबर पे वहाँ पर अल्टरनेट नंबर भर देना है। उसके बाद नेक्स्ट वाला बटन दबा देना है। उसके बाद फिर ओके का बटन दबाना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर पोस्ट पेड प्रीपेड आपको चुनने के लिए आया है, तो आपको यहाँ पर प्रीपेड चुनना है। प्रीपेड पे आप क्लिक करते ही आपको इस प्रकार का आएगा, तो आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको प्रोडक्ट चुनना है जो जिसमें आपको सिम एक्टिवेट करना है। देखिए यहाँ पर प्राइम प्लस JDD 309 यानी कि आपको अगर 309 प्राइम 99 प्लस 309 वाला प्लान चुनना है तो आप इसको क्लिक करें। आप प्राइम प्लस JDDD 509 यानी कि चुनना है तो आपको इसको क्लिक करें। ये दोनों में से आपको किसी को एक क्लिक कर दीजिए, तो हम इसमें प्राइम प्लस 309 को क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते ही हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पर आ गया है रेफर नंबर, यानी रेफर नंबर में यहाँ पर कूपन कोड या बार कोड जो होता है उसको आप यहाँ पर लगा के ओके बटन दबा दें। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका कोड आ गया कूपन कोड। उसके बाद ICCDID यहाँ पर आपको स्कैन किया करने के लिए आया है। यहाँ पर आपको देखिए किनारे पर यहाँ पर एक स्कैन वाला बटन है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है जिससे कैमरा ऑन हो जाएगा। कैमरा ऑन हो जाएगा तो आपको सिम का जो कोड होता है बार कोड उसको आपको स्कैन कर लेना है। स्कैन करने के बाद आपको देखिए सिम नंबर यहाँ पर नीचे आ जाएगा, मोबाइल नंबर सारा चीज़ आ जाएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट बटन दबा देना है। उसके बाद देखिए कस्टमर का डिटेल्स आएगा, फिर थोड़ा सा इसको ऊपर की ओर खिसकाएंगे। ऊपर की ओर खिसकाने से यहाँ पर 3 लाइन आएगा, आपको तीनों को सही करना है, तीनों को टिक मारना है और यहाँ पर 5 डिजिट सिम का लास्ट 5 डिजिट यहाँ पर डालना है। तो चलिए हम डाल देते हैं, तीनों को टिक भी कर देते हैं। देखिए हमने तीनों को टिक कर दिया, 5 डिजिट सिम का डाल दिया है। उसके बाद देखिए आपको नीचे एग्री पे क्लिक कर देना है। उसके बाद कस्टमर अंगूठा लगाएगा, अंगूठा लगाने के बाद सक्सेसफुल हो जाएगा कस्टमर का, तो प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए PDF फाइल आएगा आप लोगों के पास, तो PDF फाइल आएगा तो एक बार आपको बैक बटन को दबा देना है, मोबाइल का बैक बटन को एक बार दबाना है। उसके बाद देखिए आपको अपलोड लेने लगेगा। अपलोड लेते ही आपका देखिए इस प्रकार का आपका खुलेगा। यहाँ पर देखिए आपको कैश चुनना है, कैश पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 99 प्लस 309 408 एक ही बार कटेगा, आपका अमाउंट कट जाएगा और डन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए आपको वेट कराएगा कुछ सेकेंड। वेट करने के बाद देखिए यहाँ पर आपका सक्सेसफुली सबमिटेड हो जाएगा, यानी कि आपका सिम एक्टिवेट हो जाएगा। इस तरह से आप डन पे क्लिक कर दे यानी कि आपका सिम एक्टिवेट हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार से आप जियो सिम एक्टिवेट का नया प्रोसेस देख लिए हैं, और इसी तरह का वीडियो आपको चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जैसे ही नया वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, देखते रहिए और सीखते रहिए।